बिल्कुल कर लिया ऑन. दिस इज नॉट लॉग इन टू वन, दिस इज लॉग ऑफ वन. ठीक है चलो. और लॉग जिन लोगों ने लॉग वन भेजा, लॉग टू कहाँ गया भाई? खा गए क्या लॉग टू? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं हैं मुझे बताओ जरा. ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो? स्क्रीन में ला रहा हूँ, एक मिनट. मुझे एक बात बताओ जरा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? वन बाय आर क्या होता है? वन बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेचुरल लॉग आर. वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या देखा था हमने? लॉग एक्स. तो वन बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग आर. हमें लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम वन टू टू. तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट नेचुरल लॉग टू माइनस लोअर लिमिट नेचुरल लॉग वन. तो आंसर आ जाएगा मेरे पास नेचुरल लॉग टू माइनस नेचुरल लॉग वन. ठीक है. आर एन यस. एल एन मीन्स लॉग टू द बेस ई. ये मैंने बताया था. इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स लॉग टू द बेस ई. ओके. तो नेचुरल लॉग टू माइनस नेचुरल लॉग वन इज द आंसर. एंड ये तुम लोगों को वैसे कुछ टाइम बाद पता लग जाएगा कि जो नेचुरल मतलब लॉग वन की वैल्यू होती है ना, वो जीरो होती है. लॉग वन इज जीरो. लॉग टू के 100 होते हैं ना? ना, लॉग टू 100 नहीं होती. नेचुरल लॉग 100 की, लॉग 100 की टू होती है. लॉग 100 की टू होती है, वो भी टू द बेस 10 की होती है, टू द बेस ई की नहीं होती. ठीक है. तो खैर उसकी उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे. बस नेचुरल लॉग वन ये साइड में चाहे लिख लो, इतना मैं लिखवा देता हूँ लोगों को. अच्छा फॉर्मूले चलो दो चार लिख लो तुम लोग लॉग के. वैसे तुम लोगों को अभी जरूरत नहीं है, खैर फिर भी. लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. ये दोनों 1 है, दोनों 0 है, इसलिए हमने ये कर दिया. ठीक है. ओके एक सेकंड. लॉग जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, वो भी एक वो ट्रिग्नो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वैसे एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है. दीज आर काइंड ऑफ फंक्शंस, दो नंबर्स के साथ कुछ कुछ करते हैं. एक्सक्यूज मी सर. नंबर्स. यस सर. यहाँ पे जैसे ये लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो हम इसे लॉग ए. मैं लिखवा रहा हूँ, मैं वो लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला, वही लिखवा रहा हूँ. एक सेकंड, मैं वो कमेंट्स पढ़ने लग गया था. ये क्या लिखा है? नमन इस सर लॉग कॉमन नहीं निकाल सकते. अरे भाई कॉमन चीजें हम वो निकालते हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हो. मैं बोलूं 2 इनटू, अरे यार 5 इनटू 2 माइनस 5 इनटू 1, तो यहां से तो मैं 5 कॉमन निकालता अच्छा भी लगता हूं भाई. 5 को कॉमन निकाल लिया, 2 माइनस 1 कर दिया. इस क्या मैं 5 इनटू 2 को बोलता हूं 5 ऑफ 2? इज दिस कॉल्ड 5 ऑफ 2? नहीं ना, दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2. ऐसे ही यहाँ पे दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ 2, दिस इज नॉट लॉग मल्टीप्लाई बाय 2. नो, ये लॉग को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम. मुझे एक बात बताओ, क्या साइन 30 का मतलब साइन इनटू 30 होता है? है ना, जरा बताना मेरे को. साइन 30 no, का मतलब इज इट साइन इनटू 30? No, नहीं ना, इट इज साइन ऑफ 30. तो क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे अगर साइन 60 माइनस साइन 30, तो फिर मैं साइन को कॉमन निकाल लेते हैं 60 माइनस 30? ऐसा नहीं कर सकते. ये वैसे ही है जैसे साइन का फंक्शन होता है एक, वैसे ही लॉग एक फंक्शन होता है. वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा किसी नंबर के साथ. ठीक है. अच्छा इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो तुम लोग लिख लो. लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ, चाहे वो दोनों में लग जाता है, वैसे इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा. हमें हमें तो सिर्फ नेचुरल लॉग से मतलब है, तो वो लिख लेंगे. नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी इज नेचुरल लॉग ऑफ ए बी, एंड नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस
natural log of b is equal to natural log of a by b. ये लॉग के तीन फॉर्मूले हैं, ये तुम लोगों को आगे केमिस्ट्री में काम आ जाएंगे, ठीक है? फिजिक्स में तो बहुत देर बाद काम आएगा, वो एक आधा ही चीज आपके काम, वो उस टाइम पे तुम लोग को आता होता है लॉग। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, दीज आर जस्ट फॉर्मूले, मतलब a इंटू b होगा तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, a डिवाइड बाय b है तो उसको माइनस कर सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसका क्या आ जाएगा, log 2 माइनस log 1, log natural by 2 upon 1, 2 by 1 आ जाएगा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ natural log of 2 upon 1, which is natural log of 2। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, सुनो एनालाइज करो चीजों को जो मैं बोलता हूँ, log of 2 upon 1 is log of 2 naturally, अब log 2 माइनस log 1 किसके बराबर आ गया, log 2 के, इसका मतलब log 1 की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब वो जीरो था, log 2 में से जीरो माइनस किया तो log 2 ही बच गया, तो इन दोनों फॉर्मूला ने एक दूसरे को जस्टिफाई कर दिया है, राइट? तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको जस्टिफाई कर दिया इधर, ठीक है? अच्छा निष्ठा क्या कौन से स्टेप में, निष्ठा बताओ स्टेप, अनम्यूट कर, समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया। ये चमका हर एक को, चमक गया बिल्कुल, अरे यस नो, यस सर, यस सर, यस सर, क्रिस्टल क्लियर है, यस सर, टॉल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल, चलो ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, लॉग वाली कर लेते हैं, मेरे को बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ मेरे को सिंगल टर्म चाहिए, एक सिंगल टर्म, आई नीड वन सिंगल टर्म आंसर में, मिलन का सही है, तुषिता का सही है, अर्शिया का सही है, अभिषेक का सही है, वंशी का सही है, निवेदिता गलत है, सिमर कौर, मुस्कान, रिद्धम, प्रबल सही है, फरमान, अरे निवेदिता और फरमान लॉग कहाँ खा गए तुम लोग, भूख लगी है, महकप्रीत सिंह का सही है, आर्यन का सही है, जिया का सही है, अनायत सही है, वैशाली का सही है, नमन, गौरी, सिमर सब सही है, ओके बढ़िया, इनायत डिवाइड कर दिया, इनायत क्या लिखा है, ये लॉग डिवाइड बाय टू, बाकियों का नाम ले रहा सबका सही है, जिसका गड़बड़ होगा मैं बता दूंगा, जोरावर का गड़बड़ है, आयुष 6 डिवाइड बाय 3 बाय 2 कर दे उसको, ऐसा क्यों कर रहा है, सिद्धार्थ डिवाइड कर दो उसको 6 बाय 2, 6 बाय 3 इज 2, ठीक है, चमक गया तुम लोगों को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाय टी की इंटीग्रेशन क्या है, लॉग टी From 3 to 6, क्या जाना है, log of natural log of 6 minus natural log of 3, अब this is log of a minus log of b, log of a minus log of b is log of a over b, a upon b, तो यह आ जाएगा log of 2, of 2, answer, ठीक है, इसकी वैल्यू वैसे 0.693 होती है, वो जरूर नहीं है, जरूरत नहीं आपको याद करने की अभी, ओके
चलो डन क्लियर। तो हमारी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो भी इसके साथ जो है वो खत्म होती है। एक एग्जांपल और करेंगे। एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx from 0 to pi by 2। आंसर भेजना है आपको मेरे को व्हाट्स इस पे चैट पे। सिर्फ वो पाई बाय टू है। बिल्कुल पाई बाय टू है ऊपर। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू। सिमर नो, अर्शिया नो। मेरे को आंसर ऐसे नहीं, कॉस की टर्म में नहीं, वैल्यू पुट करके बताओ मेरे को अर्शिया। आर्यन नो, जोरावर, अभिषेक, तुषिता सही है। अरे डोंट राइट कॉस पाई बाय टू, मेरे को आंसर उसमें वैल्यू पुट करके आंसर दो। डोंट गिव मी दी वैल्यू, डोंट गिव मी दी एक्सप्रेशन कॉस पाई बाय टू। ठीक है गौरी का नो, विशाली नहीं, अरे यार फिर वही, मेरे को कॉस पाई बाय टू मत भेजो। तुम लोगों को पता नहीं क्या कॉस पाई बाय टू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय टू? 90। व्हाट इज पाई बाय टू? 90 डिग्री। पाई बाय टू कितने डिग्री होता है तुषिता का? ठीक है बाकी सबको पता है? यस यस 90 डिग्री। अरे हेलो यस सर 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, आपने बताया था सर। रेडियंस 180 होता है तो डिवाइड कर देंगे। हाँ मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो पाई बाय टू रेडियन विल बी 90 डिग्री, है ना? मेरे को एक लैपटॉप ऐसा चाहिए जो खुद डिटेक्ट करके मेरे को जवाब दे। नहीं सर मेरे को नहीं पता, नहीं सर मेरे को नहीं पता, या बोले हाँ सर पता है, क्योंकि वो बच्चे तो बोल नहीं रहे ऑटोमेटिक। सर पता है। ठीक है मिलन का सही आंसर, मैकप्रीत का सही है, सुरभि का सही है, अर्शिया का सही है, अभिषेक, तुषिता, जोरावर इनका आंसर सही है, देवेशी का सही है। अरे 90 क्यों, अरे 90 क्यों, वंशिका का सही आंसर। अरे 90 कैसे आ गया, 90 आंसर कैसे आ गया, गुरकर्मन का सही है। सर आपने मेरा नहीं बताया सर, मेरा गलत होगा ना, जिनके सही है मैं उन्हीं के पढ़ रहा हूँ। ठीक है तुमने क्या भेजा था जी, एक बार भेजना दोबारा। तरुण का सही है। सर मेरा भी गलत है क्या? सर मेरा आंसर भी गलत है। जिया का तो गलत है। अंतरा तुम भी दोबारा भेजना एक बार, चैट में बहुत ऊपर निकल गया। अरे यार तुम लोग 90 45 कैसे निकाल रहे हो? अंतरा हाँ गलत है।
जैस्मिन नहीं, अरे जिया मेरे को इंटीग्रेशन करके बताना इसकी कितनी होगी। माइनस कोस एक्स, कोस एक्स कर दी। चलो फ्रॉम जीरो से लेके पाई बाय टू तक। अब जरा मेरे को इसमें लिमिट्स पुट कर दे ब्रा, जल्दी है। माइनस कोस 90 माइनस, चलो माइनस को तो ना बाहर निकाल लिया करो, अदरवाइज नहीं आगे जाके गड़बड़ कर देता है, जैसे तुम लोग का शायद यही हुआ होगा। सर आंसर 1 आ रहा है ना? हाँ, ये माइनस के कारण मेरा वो 90। हाँ, नहीं वो मैंने cos 90 और cos 0 की वैल्यू आगे पीछे ले ली। हाँ तो फिर ये माइनस को बाहर निकाल लो पहले। अब cos को 90 माइनस cos 0 माइनस cos 90 कितना होता है? 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो ये आ गया 1, आंसर आ गया 1। वो ना सर मैंने cos 91 ले लिया और cos 00 ले लिया। वेरी गुड, जरा शाबाशी दो अपने आप को। अब मैंने टेबल में से चेक किया फिर पता लगा। अच्छा, अरे याद रखना है ये वैल्यू, याद रखनी है, ठीक है? यस। एक और कर दो, ये चमक गया सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर? यस सर। सर cos 0 माइनस भी दिया है कि cos 0 डिग्री माइनस भी दिया है। आवाज क्लियर नहीं है सिद्धार्थ, मेरे को समझ नहीं आ रही। सर cos 0 डिग्री भी माइनस किया था, cos ये 0 डाला ना इधर, ये cos 90 डाला, मतलब पाई बाय 2 डाला मैंने इधर, इसको पाई बाय 2 को 90 लिख दिया मैंने। ओके सर। हां पाई बाय 2, यहां पे पाई बाय 2 लिख ले, पाई बाय 290 होता है। इसका भेज दो फटाफट आंसर, e raised to power x dx from 0 to 1। नहीं तुषिता, आर्यन का ठीक है, तुषिता का ठीक है। अब सुरभि का ठीक है, नमन का ठीक है, खुशबीर न प्रबल न महक न गुरकर्मन न अंतरन न अर्शियन न आयुष न क्या नहीं नहीं आयुष न अभिषेक का ठीक है, जागृति ना इनायत ना जरावर यस, अक्षितन नो गौरी यस, सिमर यस, जागृति यस, प्रबल नो, मुस्कान नो, जिया यस, देवशी नो, अर्शिया यस, महक नो, हिमानी यस, सिमरन यस, वैशाली नो। का करत रहे तुम लोग, मंथन का सही है, खुशबीर का गलत है, प्रदीप का गलत है, मिलन का नहीं, अनुप्रीत का नहीं, अंतरा का ठीक है। अंतरा व्हाट इज, अरे तुम लोग एक बात बताओ मेरे को, व्हाट इज ई रेस टू पावर 0? 1। तुम लोगों ने ई रेस टू पावर 0 इज 0 कर दिया, मतलब बहुत जनता ने मेरे को आंसर इसका ई रेस टू पावर 1 मतलब ई भेजा है। हाउ हाउ ई रेस टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स फ्रॉम 0 टू 1, अरे कहां चढ़ गया 1 ऊपर, तो e raised to power 1 minus e raised to power 0, पहले अपर लिमिट माइनस कर देंगे फिर 0, लोअर लिमिट e raised to power 1 is e minus e raised to power 0 is 1, तो आंसर इज e minus 1। अरे कैसे कर दिया तुम लोग सर, अगली क्लास का टाइम हो गया ये। हाँ
अगली क्लास का बिल्कुल टाइम हो गया सर, ये होमवर्क दे दो। ये होमवर्क ही दे रहा हूँ। This is your homework. E की वैल्यू चाहे यहाँ पे डालो चाहे ना डालो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ये होमवर्क है। ओके गाइस, बाय बाय। हाँ भाई सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। ये तो सर बड़ा अजीब आंसर आ गया, मतलब अजीब नहीं बट वैसे तो ठीक है। बोलू आंसर? बोल दू ना 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 ना, चलो अजीब है तो बोल दे, कोई नहीं, अजीब है तो गलत होगा आंसर। 2 sin π गलत है, कोई नहीं सर। हाँ अभिषेक का सी है, चलो ठीक है, कोई नहीं। ओके बाय बाय फॉर नाउ, भागो यहाँ से, भागो, चलो 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 चलो, बाय बाय सर, बाय अर्दात। ओके चलो, प्लस टू वालों मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग दोबारा कनेक्ट करोगे? यस सर।